मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लॉकडाउन पाठशाला रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम प्लस टू हाई स्कूल जिमडा। आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी एंड काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां उन राशियों को बोलते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त कर सकते हैं। एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, इत्यादि। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दो प्रकार के भौतिक राशियां होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज जिन्हें हम मूल राशियां बोलते हैं। सेकेंड, डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज सात हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डिराइव्ड क्वांटिटीज, एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देम इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी फिजिक भौतिक राशि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के गुणा करने या भाग देने से बनती है उसे व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार का ये लेंथ है, टाइम स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, सो स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, यहाँ भाग देने पर बन रहा है। नेक्स्ट है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लेंथ ब्रेथ एक प्रकार की लंबाई ही है, लेंथ इनटू लेंथ, तो एरिया भी हम देख रहे हैं लेंथ से बन रहा है। लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके मीन्स स्पीड और एरिया डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट यानी कि मापन। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम काइंड, कॉल इट यूनिट। मापन यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जो होता है एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेम काइंड जैसे उसका कंपेयर करना यानी कि तुलना करना होता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर वन, द यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, जिस यूनिट में क्वांटिटी एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंड, द नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम्स द गिवन यूनिट इज कॉन्टेड इन द फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू नंबर इंटू यूनिट। अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स इक्वल टू एम यू। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मास ऑफ ए बॉडी इक्वल टू 5 kg, इट मीन्स मास ऑफ द बॉडी इज 5 times a kilogram, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड यूनिट, सॉरी मास का एक स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है। अगर 5 kg किसी बॉडी का मास है इसका मतलब है कि वो 1 kg का 5 गुना है। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसे कंपेयर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट के क्या क्या गुण होने चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, अच्छी तरह परिभाषित होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, मीन्स इसका साइज जो है प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा अगर यूनिट होगा तो मेजरिंग में कठिनाइयां होंगी। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, यह समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सके। इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, इटीसी।
टेम्परेचर प्रेशर जैसे भौतिक जो दशाएं हैं इसके साथ ये बदलना नहीं चाहिए। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, इसे जो है व्यापक स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त हो।